गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जेड बानू लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से क्लास टेंथ के लिए उर्दू। आज मैं के लिए इकबाल की नज्म राम, ये इसकी तशरीह बताऊंगी। इसके पहले मैंने इकबाल के हालात जिंदगी का तारुफ कराया था। राम ये नज्म, तो इसका पहले मैं सयाक बता देती हूँ कि इस नज्म में श्री रामचंद्र जी को गैर मामूली खराज अकीदत पेश किया गया है कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े फरिश्ता सीरत इंसान थे और चिराग हिदायत थे, यानी उनकी तालीमात मिसल चिराग के हैं जिनसे लोगों को अब तक रोशनी मिल रही है। उसके साथ साथ वो किरदार के पाकीज़ा, जंग में बहादुर और मोहब्बत भरे दिल के मालिक थे। इकबाल ने श्री रामचंद्र जी के हवाले से अपने मिसाली इंसान को पेश किया है कि उसमें ये खूबियाँ होनी चाहिए। यहाँ पर राम होना, राम करना, ये इन मुहावरों का श्री रामचंद्र जी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये राम जो है फारसी लफ्ज है, लेकिन संस्कृत में भी इससे मिलता जुलता है कि एक मादा रम है जिसके माने भी फारसी राम जैसे है। क्योंकि संस्कृत और फारसी में चचा जात बहनों का रिश्ता है, इसलिए मुमकिन है दोनों लफ्ज असल में एक ही हो। हमारा लफ्ज रमना बामानी लुत्फ के खातिर घूमना फिरना या सैर तफरी की जगह, इसी संस्कृत रम से बना है। तो हम अब शेर की तशरीह बताने जा रही हूँ। लबे रेज़े शराबे हकीकत से जाम हिंद, सब फलस्पी हैं खत्ता मगरिब के राम हिंद। यहाँ पर इकबाल कहते हैं कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जो सच्चाई और हकीकत से लबरेज है, मतलब सच्चाई और हकीकत पसंद है। और इस बात का सबूत के लिए ये काफ़ी है कि मगरबी फलस्फी हिंदुस्तान के कायल हैं। अगला शेर है, ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, रिफअत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। यहाँ पर इकबाल कहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम के ऊंचे ख्यालात का असर है के बुलंदी में हिंदुस्तान का मुकाम आसमान से भी ऊंचा है। ये हमने आपको शेर की तशरीह बता दी, ये आप इतना पढ़ेंगे समझेंगे, जो समझ में नहीं आएगा पूछेंगे।